गाड़ी के आगे गाड़ी और गाड़ी से पीछे गाड़ी, जिसमें बैठा किल चोर है, हाथ में डायरी और लिख रहा शायरी। जब चलेगी M4 तो सबको पता है बनना बंद होगा मोर है। ना पहले हारी थी और ना अब हारेंगे कभी, किस्मत ही तो है भाई इसको भी बदल देंगे, बस अब लगाना और ज्यादा जोर है। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे बैटल ग्राउंड वाले भाइयों, तो भाइयों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और आज आपको भाई गेम प्ले तो देखने को मिलेगा ही, साथ में भाई आज आपको काला जादूगर भी देखने को मिलेगा और ऐसा काला जादूगर जो भाई आपको ना कभी नहीं देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर भाई हम आए थे जोर्जो में, दो भाई साहब तो जो है भाई मुझे जाते ही फंस गए और भाई मैंने इनको लपेट दिया। तो बोलो भाई पेटिया चमकाने वाले बाबा की, बोलो भाई ये बात। तो अभी जो भाई मैं आगे आ जाता हूँ, इस साइड ही भाई कुछ बंदे थे और यहाँ पर देखो भाई क्या ही अनर्थ होने वाला है। अब एक बंदे को नॉक किया और मुझे जो भाई लेफ्ट से भी बंद हो गए, मटकने की आवाज आने लग रही थी तो मुझे लगा कि इसे बचाने तो आएंगे ही, लेकिन नहीं भाई ये जो किसी और टीम के थे और इसने भाई मेरा किल चोरी कर लिया। तो भाई मैं जिंदगी में ना सभी को माफ कर सकता हूँ, लेकिन उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता जो भाई मेरा ही किल चोरी कर ले। सो ही बंदे आते ही रेंगल में पेटिया चमकवाने के लिए, पर हमारे लिए तो भी काफी नहीं, जो चुरा ले किल चोर के भी किल, हमारी अदालत में उसके लिए कोई माफी नहीं। तो यहाँ पर भाई मुझे जो लाल घोड़ा मिल गया था और हमारे प्राइवेट ड्रॉप में भाई मुझे गजरा मिल गई थी और पर मास्टर जो भाई दिल चोर भाई उठा लेता है। अभी से भाई ये प्रो बंदा लूटने आया था तो इसको भाई मैं वैक्सीन लगा देता हूँ और इसकी पेटी से उठ गया था भैया धुआं। तो आज जो है यहाँ पर भाई हमारे कम ही किल हुए और लो भी देख रहे हो भाई कितनी जल्दी जल्दी जो है साफ होने लग रही है। तो हम जो आज फैसला उठाकर भाई निकल गए थे शिकार पर बंदों का फैसला करने के लिए, भाई किल चोरी रेंगल की जनसंख्या कम करने का ठेका तुमने ले रखा क्या यार? तो भाई सरकारी ड्रॉप पर हाथ साफ करके भाई हम पोचिंग की आते हैं और हॉर्न बजाते हैं और गाना बजाते हैं। लेकिन भाई हमें जो वहां पर कोई भी बंदा नहीं दिखा तो आगे आए तो भाई सामने जो मुझे एक गाड़ी दिखी भाई 10-15 साल के बाद, और देखो भाई सिर्फ 24 बंदे बच गए थे और किल फील्ड में इसका नाम याद रखना जिस कारण लग रहा है। अगर गाड़ी उठाकर सीधा भाग जाते तो बच जाते तुम्हारे प्राण, अब पेटिया चमकेगी सरेआम। तो भाई मुझे पहले तो लगा कि भाई दो बंदे हैं, लेकिन दो के बाद एक और मिल गया। तो भाई ये जो तीन चुन्नू मुन्नू टुन्नू थे भाई जिनकी मैंने पेटी चमका दी और मुझे लग रहा था कि भाई अब इनका टीममेट कहीं यहीं ना आ जाए भाई और हमारे ऊपर सुतड़ी बम करके हमारी पेटी ना चमका दे। तो देख रहे हो भाई ये भाई साहब जो है सांस लेना तक बंद करके भाई घास में लेट जाते हैं काले नाग बनकर, और भाई मुझे डसने ही वाला था उससे पहले भाई मैंने इसको डस लिया, वैसे तेज बहुत हूँ भाई मैं। तो उन सबको टपका कर भाई हम आ गए थे अपनी पेटी चमकवाने के लिए मिलिट्री बेस के ब्रिज के पास, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप अब देखना। अब यहाँ पर भाई ये दो चुन्नू मुन्नू टुन्नू और फंसे थे भाई तो इनको भी लपेट दिया और एक किल हमारा चोरी हो गया था भाई, तो आप ना उसे भी मेरे ही खाते में लिख लेना। तो समझो कि भाई आज हमारे 11 किल हो गए। अब इसके बाद हुआ क्या भाई, मिलिट्री बेस के ब्रिज के पास ना भाई कुछ बंदे लठ बजाए हुए थे तो सोचा कि अब उनका इलाज कर देते चल कर, लेकिन हमें नहीं पता था
कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना और बताना कि भाई हमारी क्या गलती थी यार, ऐसे हमने कौन से पाप किया जो हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहां पर भाई मैं नोक, मुझे नहीं पता कि भाई मैं नोक कैसे हुआ, अभी तक मैं सोच रहा था चलो छोड़ दो भाई जो भी हुआ प्रोबंदा होगा और लग गई होगी भाई कैसे भी करके मुझे, लेकिन इसने भाई हमारे दिल तो भाई को भी उतार दिया और भाई की जो है नोकी केडी। और देखो भाई रिकॉइल ही नहीं है भाई का, भाई ये काले जादूगर इतने घूमने लग रहे हैं। और इसके साथ तो ना भाई इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ, आप देखते रहना इस हैकर की हमने ना ऐसी तैसी करवा दी भाई। अब ये भाई साहब जो है किसी और के कपड़े उठाकर घूम रहा था और ये देखो भाई मेरी तहसला को कैसे देखने लग रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको जो है रिपोर्ट मार देता हूँ और मुझे ठेका नहीं है भाई किसने कौन से बड़ा काला जादू यूज किया है। मैंने भाई सभी पे टिक किया और भाई साहब को मार दिया रिपोर्ट। तो इसका इनविटेशन कार्ड हमने भेज दिया था भाई BGMI वालों के पास और ये देखो इसने जो है एक नंबर को बिठाया और भाई साहब जो है दो नंबर को बिठाने से मना कर गया। देख रहे हो दो नंबर को आ गया गुस्सा, दो नंबर ने भाई हमारी तैस लगी ऐसी तैसी कर दी, तो इसमें धुआं उठ चुका था और इस चीज का ये बदला भाई दो नंबर से लेंगे। और देखते रहना भाई ये क्या ही हैकर था। अभी आगे आया और इस काले जादूगर को भाई आगे कबूतर दिखे और भाई साहब ने उनका मोर बना दिया। भाई ये चल क्या रहा है देख रहे हो भाई, वैसे इसके पास काला जादू है लेकिन किल देखो भाई साहब के अभी तक बस 11 किल थे। अब पता नहीं भाई अभी तक ये सो रहा था या क्या कर रहा था भाई समझ में नहीं आया, लेकिन ये देखो भाई ये बेचारे नादान परिंदे, इनका क्या कसूर है भाई, इन्होंने क्या पाप किया भाई ऐसा जो इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब देखो भाई सभी को नोक भाई, सभी को खत्म भाई, इस भाई साहब को कुछ लेना ही देना नहीं है भाई किसी से, सभी को ऐसे टपकाने लग रहा है पिक कर करके जैसे तो ये बहुत बड़ा प्रो है भाई। अब ये देखो इसने इस बग्गी वाले का भी चलान काट दिया, तो ये मत सोचना कि हम इसको रिपोर्ट मारेंगे किलचोर भाई और तुम्हारी पेटी चमकाने का बदला जरूर लेंगे इससे, नहीं भाई आपको रिपोर्ट मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये देखो भाई साहब का रिकॉइल तो हो ही नहीं रहा था और अब ये एक नंबर जो है यहां पर आया भाई बग्गी लेकर और ये देखो भाई दो नंबर ने जो भाई इनकी बग्गी की भी ऐसी तैसी कर दी, लेकिन भाई फिर इनके एक नंबर को आ गया गुस्सा और उसने भाई इसको मोतीचूर का लड्डू खिला दिया। और ये तीन नंबर भी कम नहीं था भाई, ये दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। भाई साहब जो बग्गी लेकर गया और बेचारे दो नंबर के ऊपर रखी और लो भाई एक मिनट के लिए सभी चुप हो जाओ इस भाई के लिए। भाई ये चल क्या रहा था, ऐसे ऐसे काले जादूगर है भाई, दूसरों को तो टपकाते ही है अपने टीममेट को ही नहीं छोड़ते यार, हमें तो जब छोड़ देंगे। तो दो बंदे बचे हुए थे, और लो भाई भाई हमारा तो गेम प्ले नहीं निकला लेकिन भाई उसका तो निकल गया और निकलने के बाद उसके साथ ये हुआ। आ गया मजा, पड़ गई मन को शांति। तो इस भाई का जो है भाई चलान कट चुका था और आपसे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अपने दो मिनट के मजे के लिए भाई हमारी ऐसी तैसी मत किया करो यार, मत किया करो भाई ये सब यूज, नहीं तो आपकी आईडी के भी उड़ जाएंगे फ्यूज। तो अच्छा रहेगा एक आईडी से खेलो, अच्छे से खेलो, काले जादूगर में कुछ नहीं रखा भाई, इससे तो अच्छा आप काले नाग बन जाओ वो भी ठीक है, काले नाग बनकर भी खेलोगे ना भाई उसमें भी मजा आता है यार, उसमें भी अगर आप बंदों को टपकाओगे ना अलग ही किक मिलती है, लेकिन यार ये सब मत यूज किया करो भाई, इससे आपका गेम ना कभी भी अच्छा नहीं होगा, उल्टा भाई बिगड़ ही जाएगा। तो अच्छा है कि आप अच्छे से खेल लो, अगर दो महीने भी खेलते तो भाई आपका ना गेम अच्छा होता ही जाएगा अगर आप ठीक ठाक खेलोगे तो। तो ये सब मत यूज किया करो भाई और खुद भी जियो और हमें भी जीने दो भाई प्लीज भाई, सांस लेने दो यार, ज्यादा टाइम नहीं मिलता यार खेलने का, वीडियो भी बनानी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर जब हम खेलने आते हैं तो एक काले जादूगर भाई हमारा मोर बना जाते हैं, तो भाई हम करें क्या यार। वैसे उम्मीद है कि आप में से अगर कोई ऐसी हरकत करता तो छोड़ देगा,
तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।